हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बर्ग बर्न। यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में आइटम्स मिलते हैं ड्राई फ्रूट से रिलेटेड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोर है कनाडा का। तो लेट्स गो। ये आप देख सकते हैं, ये हैं बटर मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, खुला दूध जिसे कहते हैं, काकुआ पाउडर, चॉकलेट पाउडर, और ये हैं स्टीविया खुली, मतलब शुगर, शुगर का जो अल्टरनेटिव होता है ना स्टीविया, मैं अक्सर ट्राई करता हूँ शुगर की जगह, मतलब शुगर की भी आपको हज़ारों किस्में मिलेगी यहाँ पर। ये कैन शुगर हो गया, इंस्टेंट डिजॉल्विंग शुगर, ये डार्क ब्राउन शुगर जिसे हम शक्कर भी कहते हैं आई थिंक, गोल्डन येलो शुगर, सिर्फ अकेले शुगर की इतनी सारी किस्में। और फिर यहाँ पर ये देखो आप बिस्किट्स वगैरह हैं, तो वो देखें, वो सारी स्पाइसेस हैं, मतलब इतनी सारी ग्राउंड आलमंड, ये पिसा हुआ बादाम, और बादाम का आटा भी है, तो मतलब हज़ारों किस्में ये सारी बिस्किट्स की हैं। अब ये ऐसी सारी, मतलब हज़ारों चीज़ें तो होंगी यहाँ पर, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो होंगी, हंड्रेड ऑफ आइटम्स होंगे जो आज तक मैंने ख़ुद भी ट्राई नहीं किए। आप अगर कुछ लेना चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। अब ये देखें स्पैंचुलाज हैं, ये जो केक वगैरह बनाने के लिए जितनी भी एक्सेसरीज हैं, ये तैयार ब्रेड क्रम्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, ये देख रहे हैं ब्रेड क्रम्स, वो भी आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर आप ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ आपको, तो ये आलमंड बटर, यहाँ से आप थैली लेके या कुछ लेके ना इसको यहाँ अपने सामने ही पिसा सकते हो, पीनट बटर, मतलब ये आप यहाँ पर मशीन ऑन करोगे और यहाँ पर अपने डब्बा रखोगे ना, वो आपके सामने ही वो पीनट बटर बनाएगा, और बने बनाए भी है, देखें ये स्मूथ पीनट बटर बना बनाया, ये स्पैंचुला लेके आप इसको निकाल सकते हो, ये पीनट बटर है, ये स्मूथ पीनट बटर, आलमंड बटर, मतलब ये सारी बटर का सेक्शन है, ये सारी बटर हैं आपके, ये वाइट बटर आइसिंग, तो आप जाके मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अंदर से, मतलब ये सारी। फिर ये देखें कोकोनट ऑयल भी मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये पैकेट्स हैं कि, या तो इस पैकेट में आप डाल सकते हो बटर्स जो हैं, या छोटे वाले में। अच्छा, ये लिक्विड हनी है आपके सामने, ये हनी का आइटम्स है, इससे आप हनी निकालते हैं, राइट। तो ये आप अपने आंखों के सामने यहाँ से डब्बा रख के और हनी निकाल सकते हो, और जौन सा मर्जी आप, ये वाइट लिक्विड हनी है, अम्बर लिक्विड हनी है, कॉर्न सिरप है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, ये भी सारे बटर्स हैं, ये कस्टर्ड है बना बनाया, चेरीज वगैरह, अभी तो हमने आधी भी नहीं देखी दुकान। अच्छा, ये रेडीमेड, आई मीन हैंडमेड सोप्स हैं सारे, यू नो ज़बरदस्त स्मेल है इनकी, तो ये हैंडमेड सोप्स हैं, और ये काफ़ी महंगा है आम सोप से, $4, $289, $379, तो ये हैंडमेड सोप्स हैं, और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है। ये ड्राइड सोप बेरीज, आई डोंट नो ये क्या है, मैंने खुद ही पहली बार, मैंने बहुत सारी चीज़ें अब तक चखी भी नहीं अपने उसमें ना, तो ये कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद भी टेस्ट नहीं की अभी तक। तो ये एक ब्रांड है पूरा, आप देखें ये पर बीन्स हैं, सारे बीन्स का सेक्शन है, मतलब हर किस्म की बीन्स मिलेंगे आपको, सोया बीन्स, ग्रीन स्प्लिट पीस, जो नज़र में आता है एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये सारे बीन्स का सेक्शन है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में भी या इंडिया में ये सारे अवेलेबल होंगे, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही होता है। अब ये देखें सूप मिक्स है तैयार, रेडीमेड चिकन सूप मिक्स, ये सारे। अच्छा, ये कैंडीज हैं बच्चों के लिए, कैंडीज मतलब यहाँ खुला मिलता है आपको, आप उसमें लेके कहते हैं इस पैकेट में लेके, और इसके ऊपर हर एक बिन का अलग अलग नंबर होता है, राइट।
अब जैसे कि ये बिल है, इसका नंबर है 2464, तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं ये नंबर इस पर लिख दूंगा और इस पर लिख के फिर मैं इसमें पाउंड के हिसाब से तो या ग्राम्स के हिसाब से तो $1.58 पर 100 ग्राम्स आपको मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये खुले आप ले सकते हैं, हर एक बिल का अलग नंबर है। आप यही सोच रहे होंगे ना कि बारकोड तो नहीं इनका या इतनी सारी चीज़ें याद कैसी होती, तो बिन का नंबर लिखना ज़रूरी है। तो वैसे तो जो स्टोर के अंदर काम करते हैं उनको होता है एक्सपीरियंस होता है उनको हर एक चीज़ का बिन नंबर वगैरह, लेकिन फिर भी लिखना चाहिए। आप देखें ये मुख्तलिफ किस्म के स्पैगेटीज़ हैं, यू नो सुपर ग्रीन बीन, कॉलीफ्लावर, फसीली, पता नहीं क्या क्या, इतने सारे हैं चीज़ें। अच्छा ये कैंडीज़ का सेक्शन है, ड्राई फ्रूट का सेक्शन अलग है। तो देख सकते हैं नो दैट वो साइड स्पाइसेस का है सारा, हर किस्म के आपको साइड स्पाइसेस अवेलेबल हैं। इस ये सारा साइड जो है ना ये कैंडीज़ का है। अभी हॉलोवीन भी आने वाला है राइट, तो उसके लिए लोग कैंडीज़ ले रहे हैं, मुझे भी लेना है। तो वो सेक्शन सारा ड्राई फ्रूट्स का है, केक वगैरह के और बेकरी चीज़ बनाने के लिए चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पर। तो अब ये यहाँ से देखते हैं आलमंड्स हैं, अच्छा उसमें भी टॉपिंग्स के साथ है, मतलब कि सेसमी आलमंड्स को ना सेसमी के ऊपर वो किया हुआ उसको, ये होल रोस्ट होल कैश्यूज हैं, इसमें सॉल्टेड भी मिलेगा आपको, अनसॉल्टेड भी मिलेगा राइट। ये मिक्स नट्स भी मिलते हैं आपको, ये मिक्स नट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वो हैं, आपको टॉपिंग्स के साथ या कोटिंग के साथ भी मिलते हैं। अब जैसे कि ये कोटिंग वाली है पीनट्स हनी रोस्टेड, तो ये हनी रोस्टेड हैं, ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ टेस्ट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स के हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हैं। कौन कौन चीज़ें टेस्ट करोगे? अब ये देखें रेड पिस्ताशियोस, ये होल ब्राज़ीलियन नट्स, ये क्या चीज़ है, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सनफ्लावर सीड भी हमें लेनी है थोड़ी सी, है वो परिंदों के लिए। फूड नहीं, उनको सनफ्लावर सीड चाहिए। तो अब ये देखें ये चॉकलेट्स का सेक्शन है सारा, ये कौन सा है, बेल्जियन वाइट चॉकलेट, बेल्जियन मिल्क चॉकलेट, मोल्डिंग वेफर्स, सारे आइटम्स हैं। ये देखें ये सारे आइसिंग हैं या टॉपिंग वगैरह होते हैं केक के लिए वो सारे। अब पता नहीं ये चीज़ें भी हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, कोकोनट एक्सट्रैक्ट, फूड कलर्स सारा, और ज़बरदस्त प्योर सामान होता है सारा, प्योर आइटम्स होते हैं, कोई मिलावट नहीं, कोई दो नंबर ही नहीं, पैकिंग के अंदर हाइजीनिक तरीके से सब यहाँ पर। अब ये क्या चीज़ है, होल व्हीट ब्रेड फ्लावर, ब्रेड फ्लावर ये सारा आटा, आटे का सेक्शन है तो आटा भी मिलेगा आपको। और अच्छा ये चीज़ें हैं, ये सारी क्या चीज़ें, टर्किश फिग्स, रेजन्स, हम देख सकते हैं। तो ये आटे वाला सेक्शन है और ये जो है ना ड्राइड मलबेरीज, मुख्तलिफ यहाँ पर कुत्तों के लिए भी सामान मिलता है, अब जानवरों के लिए ना ये अक्सर खाते हैं, तो आप देख सकते हैं बस्टर डॉग बोन्स, डॉग्स के लिए ना ये डॉग फूड मिलेगा आपको, परिंदों का भी यहाँ मिलता है सारा, परिंदों के लिए जो भी आपको चाहिए वो भी मिलेगा आपको, मैं यहीं से लेता हूँ अपने परिंदों के लिए। ये डॉग बिस्किट्स हैं, ये पिग ईयर्स हैं, पिग ईयर्स ड्राइड किए हुए, उनके पिग्स के कान जो होते हैं ना सुअर के कान वो हैं। ये देखें ये क्या है, ये चिकन का फीट, चिकन के पांव,
और ये डॉग बिस्किट्स हैं। सारे डॉग बिस्किट्स हैं, ये डॉग्स के बिस्किट्स हैं, ट्रीट्स हैं बेसिकली डॉग्स के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना। आई होप आपने इंजॉय किया होगा, पसंद आएगा आज का व्लॉग। तो अनटिल द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।